हमारे दूसरे टीम की मेंबर साइकिल चला रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि गाइस आप सभी अच्छे से होंगे। सो आपको पता ही है गाइस कि हमारी कम्युनिटी की ड्यूटी चल रही है। सो आज हम इधर पिंड में आए हैं, डोर टू डोर जाएंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे कि किस घर में कौन सी डिजीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। सो हम पहले घर में जा चुके हैं, अब यहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। कितने बच्चे हैं? कितने हैं? दो। बस कोई मतलब घर में कोई बीमारी मतलब कोई बीमार है या सारे जो प्रेशर का शिकार हो या किसी को मतलब बीपी वगैरह डायबिटीज वगैरह किसी को थायराइड भी अगर किसी का हो। और बच्चे कौन से क्लास में वैक्सीनेशन करवाए? ठीक है, कुछ हाँ जी कार्ड वार्ड बनाए वो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वो बना लेना। उसमें मतलब अगर कोई भी बीमारी पड़ जाएगी ना उससे फ्री इलाज होता है। कार्ड हो तो फ्री में इलाज होती है, तो वो कार्ड बना देना। आधार कार्ड के साथ लिमिट होता है। थैंक यू। कम्युनिटी की ड्यूटी इस गर्मी में, हाय मर गए गर्मी से। अंदर जाना है गेट, पता नहीं यहाँ पे होगा कोई कि नहीं होगा। सो फाइनली हम कर रहे हैं डाटा कलेक्ट। सो हम कर रहे हैं डाटा कलेक्ट, घर घर जाके हम वही चला रहे हैं। इतनी गर्मी में हम थक गए। ओहो, बोलो कैसा लगा आपको कम्युनिटी की ड्यूटी के बारे में? बोलो, बड़ा अच्छा लगा यार। अच्छा, चलो किसी के घर जाते हैं, थोड़ी देर बैठते फैन के नीचे आराम करते, फिर आएंगे बाहर, डाटा भी लेंगे, बात भी करेंगे, फैन के नीचे बैठेंगे भी। चलो यार, चलो चलते हैं। मेरा टीम आगे 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 जा रहा है, मैं इनके पीछे पीछे। गन्ने भी तोड़ रहे हैं। गन्ने भी तोड़ रहे इतनी गर्मी में, भूख लगी है इनको तो गन्ने तोड़ रहे। बंगाली महिलाएं गन्ना तोड़ रही है। फाइनली इन्हें गन्ना तोड़ा रहा। अब हम हाई स्कूल में, अब हम पहले यहाँ पे वॉलीबॉल खेलेंगे, वहाँ से थक के आ गए, अब यहाँ पे हम वॉलीबॉल खेलेंगे। आप देख सकते हो कि स्कूल यहाँ का छोटा स्कूल है, शायद गवर्नमेंट स्कूल होगा। अब लड़कियों ने भी वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। पास ही गाँव में स्कूल पड़ता था, अब यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए आए हैं। आप देख सकते हो कितना अच्छा मज़ा है। हमारी स्कूल की भी याद आ गई कि हम भी स्कूल में ऐसे ही खेल रहे थे वॉलीबॉल जब हम स्कूल में पढ़ते थे 10th में। हाँ, याद आता है, स्कूल की याद ताज़ा हो गई है। मेरे साथ यहाँ पे स्कूल के दो नन्हे मुन्ने स्टूडेंट बैठे हैं, अब हम इनसे बात करेंगे कि इस स्कूल का नाम क्या है, ये किस पिंड में पढ़ता है और ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। बड़ी बोल। हाँ जी वीर। बड़ी बोल का जो है, बोलो आपका नाम क्या है? हमारा नाम कालिया है। हाँ, जोबन सिंह, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ब्लॉक बोल रहे हैं। सिक्स में। ओके, वेरी गुड। इस स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट स्कूल है। ओके ओके, अच्छी बात है, वेरी गुड, पढ़ाई करनी चाहिए, वेरी गुड।
देखो कम्युनिटी की ड्यूटी करने से बचाए यहाँ पे खेलने आए कितना प्यारा सा क्लासरूम है यहाँ पे, अपने स्कूल की भी याद आ गई इसी क्लासरूम की वजह से। ये 10th के बच्चे हैं, जब हम 10th में पढ़ते थे तो हम कितना एंजॉय करते थे स्कूल में। वाओ, ओल्ड इज गोल्ड यार। मैं भी इनके साथ क्लासरूम में बैठा यहाँ पे बेंच पे, इट्स रियली गुड। किस क्लास में पढ़ते हो, ये कौन सी क्लास है? एट्थ। कितना मजा लगता है स्कूल में आपको? बहुत मजा लगता है। अच्छा, हर रोज स्कूल आते हो? हर रोज स्कूल आते हो, मजा आता है। अच्छा, आप आपस में दोस्त हो? अच्छा अच्छा। सो आज का जो ब्लॉग था वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज की जो ड्यूटी थी वो हमने एक थोड़े से पिंड में, थोड़े से घरों में गए, और यहाँ पे स्कूल में थोड़ा बहुत यहाँ पे भी डाटा लिया कि बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कौन सी बीमारी है। तो आई होप कि गाइस कि आप सबको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को। ओके, थैंक यू।